गुड मॉर्निंग, गुड आवाज आ मॉर्निंग सर। रही? यस गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही? अच्छा, सर। ये बोलिए। सर एक क्वेश्चन था सर, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। सर कैसे सर? हाँ बताइए। अरे पॉइंट चार्ज है ना, तो पॉइंट क्या हो गया, एक सेंटर ना हो गया। अच्छा जैसे एक पॉइंट चार्ज है ना, तो पॉइंट चार्ज क्या हो गया, ये दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन। ठीक, तो दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन तो कुछ देर रहेगा, तो थोड़ा बदल जाएगा। अच्छा, और पॉइंट टू पॉइंट एलोकेशन, मान लो कि अगर जैसे एक नॉर्मल सी बात, ठीक, अगर जो कोई कंफ्यूजन नहीं है दिमाग में, तो ये बात एक नॉर्मल सी बात कुछ। ठीक, क्या था, तो बिल्कुल लॉजिकल कि अगर जो चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या काटते हैं, एरिया। एरिया एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या काटते हैं, लेंथ लाइन। लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या काटते हैं, पॉइंट। पॉइंट। पॉइंट, बहुत अच्छा बात। तो चेक करो, अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, आप तो निकाल रहे हो पॉइंट चार्ज ना। हाँ या ना? तुम हाँ वॉल्यूम से शुरू करो या कहीं से शुरू करो, ठीक। मैं सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर लेकर के धीरे धीरे करके नीचे चला जाऊँ, ठीक। तो आप सबसे ऊपर वाले स्ट्रक्चर से नीचे वाले स्ट्रक्चर तक चले भी आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या जो बोले वो ध्यान रहेगा या नहीं, यस पक्का ना? चलो ठीक है। पिछले वाले क्लास में हम लोग लाइन चार्ज का डिराइवेशन कर लिए, सही है ना? यस सर। शुरू करें तो मीन, अगर जो मैं फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइन चार्ज दू ऐसा, ठीक, दिख रहा है? कट रहा है। मैं लाइन चार्ज दे दूं ऐसा, और इनफाइनाइट लाइन चार्ज दे रहा, ये वाला पार्ट लेमडा, कोई पी पॉइंट यहाँ है, पी पॉइंट है, छोड़ना, यहाँ पे चार्ज कोई क्यू दे दूं, ठीक, इसके इसके बीच का सेपरेशन आर दे दूं, बताइए तो फोर्स क्या लगेगा? इनफाइनाइट वायर है, ध्यान रखेंगे इनफाइनाइट वायर, ठीक है, टू के बताइए। लेमडा बार आर, टू के लेमडा बाय आर आई कैप। क्यू इंटू टू के लेमडा बाई आर। ओ, क्लियर है? या यस सर। किसी को कोई देखकर बोलो? नहीं सर। किसी को कोई दिक्कत क्या? थोड़ा सा कष्ट वाली चीजें शुरू करूंगा, ठीक, करूंगा। रीजन क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर के हम लोग को काम तो करना ही है ना, लॉजिकली, और जो नहीं चले सब तो बिखर जाएंगे। ठीक, चेक कीजिए क्या था। तो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल, कोई इफ बट नहीं कर, इसके चलते ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इस डायरेक्शन में होता है, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, याद करें, टू के लैम्डा बाई आर, ठीक। तो एफ की वैल्यू क्या होता है, क्यू इंटू ई, यानी सीधा सीधा टू के क्यू लेमडा डिवाइडेड बन जाए। हाँ या ना, बोलो भाई। क्लियर? यस यस सर। अब सोचिए, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, एकदम बिल्कुल लॉजिकल चल रहा है, इसमें कोई इफ बट नहीं करना। मैं ये ऐसा एक वायर लू, ध्यान रखना ऐसा एक वायर लू, ठीक, और ये वाला पार्ट लेमडा है, ये इस तरफ इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक, क्लियर है? अब सोचो, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं यहाँ आर लेता, और ये पर्टिकुलर पॉइंट पी है, जिनका भी स्पीकर ऑफ है वो, सॉरी ऑन है, वो म्यूट करे। सर महिमा को एडमिट कर लीजिए। क्या कहते हैं, आदर्श, आदर्श,
आदर्श म्यूट करें। चलो यहां पे मैंने दिया आदर्श मीनिंग, मैंने यहां पे दिया एक सेमी इनफाइनाइट वायर है और ये पर्टिकुलर पॉइंट पी, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? सब चीज सिखा रखे हैं इसलिए गड़बड़ नहीं होना चाहिए, थोड़ा जल्दी बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? रूट टू बाई रूट टू के लैम्डा बाय क्या सिखाया था याद करो इस वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से, तो याद करना ये डेटा क्या था, मतलब बेसिक फंडामेंटल ठीक है, तो बिल्कुल लॉजिकल इस वाले पोर्शन में क्या कहीं पर हम एलिमेंट काटते, याद करो ठीक सर क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है ऑलरेडी प्रूव करा चुके हैं, इससे हमको कुछ आगे बढ़ना है तो और बात कुछ नहीं आते इसलिए बेहतर होगा, बस पिछला वाला पार्ट रिपीट कर। तो ये पॉजिटिव चार्ज था, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां वन कूलम चार्ज मिलता है ठीक, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता रिपेल करता, यानी एक बात कंफर्म था कि इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक एक्स एक्सिस की तरफ आता और एक नीचे की तरफ आता, दैट इज वाई। हाँ या ना, कोई तकलीफ है? नो सर। अब क्या इसकी वैल्यू वेरीफाई किया होगा? मैंने बोला होगा थीटा 190 डिग्री हो सकता है और एंड थीटा 2 यहाँ पर 0 डिग्री, या फिर थीटा 190 0 डिग्री हो सकता है एंड थीटा 2 90 डिग्री हो सकता है, यही था ना? हाँ ना, yes, sir. तो इस कंडीशन में इसकी जो वैल्यू आया होगा एक्स की वो क्या सिखाया थे, वो आएगा k लैम्डा बाय और ई वाई की वैल्यू क्या आएगा k लैम्डा बाय ठीक, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है किसी को, नहीं ना? नो सर। वेरीफाई करते जाना, मैं पहले कह रहा हूं ठीक, क्योंकि चीजों को मैं कष्ट तो दूंगा ठीक, और आज वाले क्लास का जिसका छूटा ठीक है उसका जेई मेन एडवांस और मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आज तो एक क्वेश्चन पक्का गया ठीक गया, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पूछ दे, यहाँ पूछ दे, कहीं पूछ दे, नहीं कर सकता मैं चेंज नहीं करा सकता, पूछने का तरीका है कुछ भी करेगा थोड़े बदल जाएगा। अब सोचो या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता ई, यानी ई की वैल्यू कितना, सीधा सीधा रूट टू के लैम्डा बन जाता, कितना तो दिख रहा मैग्नीट्यूड के तौर पर। हाँ ना बोलो भाई। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। अब सोचिए ठीक है कि इस वाले पोर्शन में अगर जो मैं ऐसा कर दू, अगला क्वेश्चन मान लो ये एक लाइन चार्ज, थोड़ा जल्दी जल्दी, ये गया इन्फिनिटी की तरफ, ये पूरी तरह पॉजिटिवली चार्ज, पूरी तरह पॉजिटिवली चार्ज था लैम्डा है, यहां से ये परपेंडिकुलर, सर गोनू को ज्वाइन कर दीजिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, मान लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर था ठीक, लेकिन मैं ये कह रहा कि इस वाले पॉइंट से ये पर्टिकुलर पॉइंट पी है ठीक, और ये वाली एंगल मान लेते हैं अपनी इच्छा
कुछ मान लीजिए 37 डिग्री बना दो, मुझे इस वायर के कारण सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, बताइए क्या होगा? इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, बता सकते हैं? बोलिए भाई। थोड़ा जल्दी, सिर्फ रटे हैं या कुछ चीजें ध्यान भी है? बोलो भाई। थोड़ा सोचे जल्दी जल्दी, तो फिर ना मजा आए पेपर में। हाँ भाई, हम कुछ सीखे, जान रहे हैं, ऐसे थोड़े हवा हवा में चलते, ऐसे मजा थोड़े आता है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं विवेक, विवेक यस सर, चलता है दिमाग? नो सर। अब है, अब देखिए, बिल्कुल देखिए, अब है अब है, अविराज यस सर, चलता है दिमाग? इस क्वेश्चन में कुछ दिमाग चल रहा या नहीं? अभी ज्वाइन किया सर, अभी ज्वाइन किया है तो पिछला वाला, यस सर जस्ट, ये वाला पोर्शन देख, मैं सीधा बोल रहा हूँ, ये लैम्डा है इनफाइनाइट वायर, क्या सिखाया थे? या थीटा 190 डिग्री, थीटा 290 डिग्री, थीटा 10, दोनों में से कुछ होता, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अभी ज्वाइन किया फिर भी तो सॉल्यूशन तो चाहिए ना, सीखना तो है ही, क्लियर? और प्रयास कीजिए कि टाइम पे रहे, हम 5 मिनट लेट हो सकते हैं, आप नहीं। नहीं सर, टाइम पे होते हैं, मतलब शेड्यूल नहीं आया था तो लगा कि नहीं होगा क्लास। शेड्यूल नहीं आया, रूटीन नहीं आया था? नो सर, नो सर, सर सेम हो जाएगा। क्यों लैम्डा भैया, क्या नेट निकालेंगे तो? वो तुम जानते हो। अगर जो हम एक्स और वाई कंपोनेंट लेते हैं तो क्यों लैम्डा भाई, भले सर KQ lambda by r sin theta हो जाएगा y axis की तरफ और x axis sin theta, और theta का वैल्यू क्या लिखे हैं सर? 37 डिग्री ना? 37 डिग्री सर, dx is equal to lambda by 5 pi epsilon not r और ey is equal to 3 lambda। इतना नहीं, उतना हमको भी नहीं याद रहता है, लोग जोड़ घटाव करके बना लेंगे। सुंदरम का आवाज था, सुंदरम ये बताइए थीटा 1 कितना? 1। अनुराग 127 सर। अनुराग म्यूट करें अपने आप को सर। 127 सर, दोनों को ज्वाइन कीजिए। गोनू सेंटर से क्लास कर रहा है? ये क्या कहते आ जाया सर। हाँ ठीक है, क्या कहते हैं,
गोनू कहिए एडमिट कर ये करने के लिए उसके बाद। हाँ ज्वाइन हो रहे हैं। देख लीजिएगा ये बताइए आप मुझे सीधा सुंदरम हे थीटा वन कितना होगा? 127 थीटा वन नहीं सब गला गड़बड़ हो गया क्या तेरा थीटा वन ही गड़बड़ हो गया 63 आ नहीं नहीं प्रयाग यस सर थीटा वन बताएं सर 53 प्रयाग थीटा वन हम नहीं बनाए नहीं बन रहा श्रुति यस सर थीटा वन कितना 53 डिग्री गड़बड़ है सब लोग नहीं पूछ दिमाग चला यार सिखाए है सर 45 नहीं देखो एकदम बिल्कुल लॉजिकल ठीक बिल्कुल लॉजिकल रहना चेक करें ये क्या था ये वायर ठीक ये वाला पार्ट वायर क्लियर अब इस वायर को सोचिए कि अगर जो ये लेमडा था ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर था क्लियर तो इसके टॉप मोस्ट पोजीशन को देखने के लिए एंगल ऐसा लीजिए और ये थीटा वन होता था और इसको इधर से लेना पड़ता था और ये वाला एंगल थीटा टू हाँ या ना बताओ यस पक्का कोई दिक्कत तो नहीं तो थीटा वन सर 90 डिग्री एक वेरी गुड अब तुम सोच करके ये जब हम बताएं क्या कहते हैं बार बार ये फिगर दिखाएंगे तब याद रहेगा ये बात बताइए ये बात तो आंख से दिख रहा है यार कि जब पता नहीं चला थीटा वन नहीं ये सोचेंगे तभी इस टाइप के इम्प्लीमेंटिव क्वेश्चन बना पाइएगा नहीं तो अटका तो दूंगा जी मैं अटका दूंगा जो आपसे एक साल बाद आराम से इत्मीनान से जो आपको क्वेश्चन पूछेगा वो सोचो कितना सोच रहा होगा तुम्हारे बारे में वो तो दिन रात तुम्हारे बारे में ही सोचता है ठीक हमारा तो 10 वो कामों है ठीक कि वो करना है वो करना है ओकरा कोई काम नहीं खाली ये काम है ठीक सोचो क्या ये पी पॉइंट से तुम इन्फिनिटी की तरफ देख रहे हो अरे हाँ ना फील करो यस सर क्लियर हमको आंसर से नहीं मतलब था हमको तुम्हारे यहाँ दिमाग के लॉजिक से मतलब तुमको आता है या नहीं आता ठीक अब नहीं आएगा तो गड़बड़ होगा ही है गड़बड़ होना है ठीक है चेक करें क्या था भाई सीधा दिख रहा है यहाँ पर थीटा 190 डिग्री क्लियर थीटा 2 बता सकते हो सोच के बताओ टाइम दे रहा हूँ 37 सोच के इस पार्ट को सोच के बताओ 45 हाँ कर लीजिए श्वेता ये बताइए 37 कंफर्म 45 सर सोच लो 53 सर 53 अच्छा और कुछ सोचो कुछ लॉजिक है थोड़ा लॉजिक है 37 एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगवाओगे 0 डिग्री सर 37 सर ना भले वो वैल्यू 37 डिग्री के बराबर आ जाएगा होगा तो नहीं भले वो 37 डिग्री के बराबर आ जाए लेकिन होगा नहीं ये बात कंफर्म है अब बोलो और कुछ किसी और दिमाग चलाएगा या नहीं चलाएगा ये बात बताओ बोलो भाई 153 डिग्री नहीं यार आसान क्वेश्चन है
अभी तो मैं इसे कोई छेड़छाड़ भी नहीं कर रहा, बस वायर वायर दे रहा हूँ, अभी तो इसका खेल पूरा बाकी है। क्यों अटक रहे हो? चेक करो, चेक करो, आसान क्वेश्चन। क्या ये हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इधर घूमते थे? देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हम कहाँ देखे? यहाँ देखे तब बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट दिखा, हाँ या ना? यस सर, यस सर। इस पॉइंट से बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे गए तब दिखा, अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर, वेरी गुड। तो क्या इसके लिए ये वाला पॉइंट ये अगर जो परपेंडिकुलर लाइन था तो ये भी तो इस वायर पे परपेंडिकुलर लाइन था, अरे हाँ ना बोलो। यस सर, यस सर। ये नीचे वाला, चलो चलो फील करो ठीक। तो हमको कैसे घूमना? हमको ऐसे घूमना, तो ऐसे घूमेंगे, देखो तो ऐसे घूमेंगे तो ये वाला ना एंगल होगा, तब ना तुम नीचे वाला देखेगा, अरे हाँ ना। Yes, sir. Yes, sir. ये पॉइंट तुम कब देखेगा? जब ऐसे घूम करके ऐसे। अब ये मत बोलना सर हम इतना कहाँ ऐसे घूमने लगेंगे, अब जो कहानी बनाया है उसके अनुसार तो तुमको सोचना पड़ेगा। मीनिंग इसके ऊपर वाले पॉइंट को देखना है तो इधर से ऐसे देखो, सही है, और नीचे वाले पॉइंट को देखना है तो इधर जाएंगे। क्या यही ना बात दिमाग में फिट किए है? हाँ ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये पूरी एंगल क्या हो जाना चाहिए सोचो तो, 360 डिग्री माइनस 37 डिग्री, अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर, यस सर, तो ये थीटा 2 की वैल्यू 360 डिग्री माइनस 37 डिग्री, ये लिटरली जब सॉल्व करोगे तो ये माइनस 37 डिग्री से ही सॉल्व हो जाएगा, अरे हाँ ना बोलो। यस सर, क्लियर है? हाँ, अब ये तुम्हारी जिम्मेवारी है कि तुमको डायरेक्शन का, मैंने दो दो पॉइंट बता दिए। हाँ, मुझे टफ कहोगे क्वेश्चन करने के लिए मैं करता चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कहीं डालूंगा ही, इतना तो मैं समझदार हुई कि तुम्हारा लॉजिक कब डेवलप कराना है। हाँ, जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ाई कर लेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, ठीक, और मैं करा भी लूंगा, उसका टेंशन नहीं है मुझे, ठीक, वो मैं करा भी लूंगा। क्लियर? थोड़ा चीजों को पकड़ने का प्रयास करें कि चल क्या रहा है, ठीक। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन थोड़ा और देता हूं, थोड़ा और परेशान करता हूं, ठीक। मान ले, और ये सब आना ही चाहिए, कुछ नहीं कर सकते आप, ये एक्स एक्सिस बनाता हूं, ठीक, और ये वाला पोर्शन मैं वाई एक्सिस, ये एक प्लेन होगा जो कि एक्स वाई प्लेन है, सही है ना, ठीक है। एक पॉइंट बनाते हैं ए, ये पॉइंट बनाते हैं बी, ठीक, ये पॉइंट बनाते हैं सी, और एक काम करते हैं एक्स क्रॉस x एक्सिस पर बनाए, y एक्सिस बाहर की तरफ बनाए, y एक्सिस बाहर x पर, यानी z एक्सिस नीचे की तरफ, doesn't matter, ये वाला पोर्शन z एक्सिस है, या ना, कोई दिक्कत है इसमें? फिगर से चेक करो, x एक्सिस ये बनाए, y एक्सिस ये बनाए, तो x क्रॉस y तो पॉजिटिव जेड एक्सिस नीचे की तरफ आएगा, फिगर के साथ जो बनाए। अब ये जेड एक्सिस पर मैं पॉजिटिव चार्ज दे दूं पूरा, और ये इनफाइनाइट वायर होगा जो कि लेमडा, इनफाइनाइट वायर होगा जो लेमडा, ठीक। अब हम लोग करें क्या, ए का कोऑर्डिनेट दे दूं 3, 0, ठीक, बी का कोऑर्डिनेट दे दूं 0, 4, 0, सी का कोऑर्डिनेट दे दू 3, 4, 0, और एक काम करता हूं मेरे भाई, ठीक, इसके ठीक ऊपर एक डी पॉइंट मैं यहां बनाता हूं, ठीक, नेगेटिव जेड एक्सिस में गया, इसका कोऑर्डिनेट मैं देता हूं 3, 4, -, ठीक। मैं आपसे पूछूं ए बी सी और डी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है,
थोड़ा जल्दी बनाए, ए बी सी एंड डी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, थोड़ा जल्दी। सर ये इनफिनाइट है सर, जहां पे आप लैम्डा लिखे हैं ऊपर से नीचे तक पूरा जेड एक्सिस पॉजिटिव वायर, पूरा जेड एक्सिस वायर है, तो जेड एक्सिस क्या होगा, इनफिनाइट है ना, होगा हाँ ना। चलिए थोड़ा सोचे इसको, अब मुझे सर मुझे ये बार बार बोलता है सर, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस सर। अरे यार तो क्या वीडियो देना बंद कर दे सर। हाँ एक सेकंड, नहीं सर जरूरी है, वीडियो जरूरी है, लेकिन जरूरी है, जरूरी है, ठीक है, वीडियो जरूरी भी है ना, और अगर जो कुछ उसका नोटिफिकेशन आता हो है ना तो वो भी जरूरी नहीं है, मतलब हर जगह बोलने की आदत छोड़े। एक इतना दिन से अगर जो क्लास एब्सेंट हो तो वीडियो रिकॉर्डिंग का एक नोटिफिकेशन आता होगा यार, तभी आपके पास जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। एक अब फिर बोल रहे हैं कि नंगा पुंगा फोटो मत लगा के आया कर, चेंज करो इसको। ओके सर। देखो इस वाले पोर्शन में सर वो विवेक कुछ बोल रहा था। कौन कौन कौन? विवेक। हाँ बोलो विवेक, क्या सर बोले हैं हम तो, वो ए और बी का हो जाएगा, आई कैप और जे कैप, सी का हम यूनिट लिख सकते हैं ना डायरेक्ट वहां पे उसका डायरेक्शन के लिए। हाँ बता 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 डायरेक्शन बता डायरेक्शन बता, यही तो मैं कह रहा हूँ। डायरेक्शन थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप बाई फाइव होगा ना। क्या क्या क्या? थ्री आई कैप प्लस थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप बाई फाइव। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक एकदम परफेक्ट चल रहा है, क्लियर। टाइम अब ये सोचो, अब इसका फ्रिक्वेंसी बढ़ाना है, टाइम बढ़ाना है, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, ठीक। चूंकि जेई मेन एडवांस और मेडिकल में इसी टाइप के क्वेश्चन, एक एक लाइन वाला, एक एक लाइन वाला, लेकिन जल्दी जल्दी, क्लियर। चलो ये डी वाला पॉइंट बता, तो डी 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 पॉइंट का सोचो, तो टाइम दिया तो चलो कुछ तो अच्छा आउटपुट आए आप लोग का। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एकदम आराम से समझ लें, ठीक। इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। तो इसके लिए क्या लिखता, सीधे सीधे टू के लैम्डा बाई आर, और आर कितना दिख रहा है, थ्री। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आई कैप। अब सोचो बी पॉइंट का, सोचो क्या ये वाला पोर्शन फोर है और ये परपेंडिकुलर ही है, तो फोर जे कैप, ठीक। फिर सी पॉइंट का सोचो भाई, एकदम इत्मीनान से मैं टाइम दे रहा हूं, उसमें गड़बड़ नहीं वाला, लॉजिक है, लॉजिक को अपने अनुसार से प्रिपेयर कर, ठीक। उसको छोड़ने का, छोड़ना नहीं है, काम करना है, ठीक। तब हम कॉन्फिडेंस में आएंगे, तब मेरा तो क्वेश्चन करने का तरीका, बात करने का तरीका, कुछ बताने का तरीका कुछ स्टैंडर्डाइज होगा, कुछ स्टैंडर्ड फील होगा, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन इसी 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 क्या था इसी इसी हाँ देखो, क्या इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइव होगा? हाँ यस सर। यस सर। से इसका आंसर एक बार बताऊं? किसका? उसी का। उसी का किसका? अब ये 2k लैम्डा बाई 5, और रियलिटी में क्या होना चाहिए था, ये OC वेक्टर हो जाएगा जिसका यूनिट वेक्टर कट रहा है, यानी OC का यूनिट वेक्टर नियम, यानी इसी वेक्टर को मैं यहां लिख दे रहा, क्या हो जाता भाई, फील करो, इसी वेक्टर की वैल्यू 2k लैम्डा बाई 5, क्लियर। और क्या ये वाला पोर्शन
उसी वेक्टर को क्या लिखता सी आई कैप प्लस फोर जे कैप डिवाइडेड बाई फाइव। अरे हाँ ना बोलो भाई, क्या क्लियर है ये बात? यस सर, यस सर। ठीक, अब सोचो उसका भी आ गया सर, तो डी का भी तो वैसे हो जाएगा सर, उसमें आ रहा है रूट नहीं फाइव रूट टू आ रहा है, फाइव रूट टू। सुंदरम क्या आ रहा? टू के लैम्डा बाई फाइव रूट टू से, फाइव रूट टू। अविराज, अविराज यस सर, कितना रहा, कितना रहा? नहीं आ रहा सर, सर फाइव ही होगा सर। यहाँ तक क्लियर है बात? हाँ या ना अविराज, क्या यहाँ तक? नो सर, एक उसके एक स्टेप पहले से सर। ये यस सर, ये क्लियर है, ये वाला क्लियर है यानी ये बात? हाँ सर। अविराज पक्का ना? ठीक, मुझे ये नहीं यस सर, अच्छा इम्पोर्टेंट है, क्लियर। अलग मैटर है कि मेरा नाम किसी का किसी टाइम ले जाओ, कभी रवि लेता हूँ, कभी चंदन लूंगा, कभी किसी का लूंगा, किसी का, वो अलग इशू है। ठीक, जिसका दिमाग में बात उस टाइम पे आ जाए। आपका धर्म है कि अगर जो कुछ प्रॉब्लम है कर लिया सर, धन्यवाद। फाइल पे चल दिखाया, देख के बता दीजिए सर। अरे भाई ठीक है, सभ्य बन असभ्य मत, बस अब एक लाइन में सब कुछ बोल दूंगा, क्लियर। अब सोचो, हाँ अविराज ये क्लियर है? हाँ ना, ये वाला बात क्लियर है या नहीं? यस सर, बताओ। अब तो इसमें क्या दिक्कत हुआ? इसमें तुमको सर, तभी दिक्कत होगा, फाइव रहेगा सर, और उसमें हाई का प्रश्न। अरे रुक जा, एक का पहले क्लियर तो कर रहे थे, सुनने दो भाई। कुछ वाले पोर्शन में ओसी वेक्टर, ठीक, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या बताए थे कि अगर जो हमको डायरेक्शन चाहिए तो हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, याद है? यस सर, क्लियर। तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो याद कर दो, वेक्टर ए का अगर जो यूनिट वेक्टर चाहिए होता था तो क्या से कहते, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉडुलस वेक्टर ए। ठीक, तो वैसे ही सोचो, अगर जो हमको ओसी वेक्टर का चाहिए होता तो हम लोग लिखते ओसी वेक्टर डिवाइड बाय ओसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, लिखते कि नहीं लिखते? हाँ या ना? यस सर। हे, तो ओसी वेक्टर को चेक कर दो, सी माइनस आई कैप और फोर माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय फाइव, होगा या नहीं होगा? यस सर, क्लियर है? यस सर, वो हो गया। हाँ मतलब पूछिए, ये नहीं कि क्या कहते हैं, कुछ विवेक कम्युनिकेट कर रहा, बालवीर कम्युनिकेट कर रहा, रवि कम्युनिकेट कर रहा, या कोई और कम्युनिकेट कर रहे हैं, अली कम्युनिकेट कर रही, श्वेता में भी, या कोमल या श्रुति, कोई भी है नहीं वाली, हे प्रियांश, मतलब कम्युनिकेट करने की आदत डाले पहला तो, हे कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, समझ में ना? हमको मना कर देते हैं सर, आप तू ऊट पटांग हरकते करता है, हे क्लास को डिस्टर्ब मत कर। अब कह रहा है कि ऊट पटांग हरकत करेगा मैं रिमूव कर दूंगा, और मुझसे परमानेंटली रिमूव होता है, 24 घंटे बाद वापस नहीं आओगे, कभी नहीं आओगे, क्लियर? जी सर, जी सर, एकदम बोल रहे, जिसको रिमूव करूंगा परमानेंटली रिमूव होता है, वो वापस नहीं आ सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले, कोई भी तरीका लगा ले, नहीं कर सकता। ठीक, तो वैसे बहुत दिन बाद है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम हो सकता है, इस बार अभी तुम्हारे तुम्हारी शादी होगी सर, होगा। चलो ये वाला पोर्शन क्या करेगा सर? डी, ठीक, डी पॉइंट पे बता कितना होगा? फाइव होगा उसका डिस्टेंस ना सर, थ्री आई कैप फोर जे कैप माइनस फाइव के कैप, उसका डायरेक्शन भी है हम उसको सर, टू के लैम्डा बाई फाइव ही होगा, फाइव ही होगा ना पक्का? पहले रूट टू बोला था, यस सर, क्या बोला था सर? हम लोग डिस्टेंस सर, लेकिन 5 माइनस 5 नीचे जाएंगे तो फिर भी तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही रह जाएगा ना, हमको नहीं मतलब है, ठीक, हमको आपके लॉजिक से मतलब है, आज वाले क्लास में लॉजिकल पे है, ठीक, तो
मैं टाइम भी दूंगा और दिमाग भी खंगलवाऊंगा, ठीक। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ठीक, आज वाले क्लास में सीधा जिनका आज क्लास छूटा ठीक, उनका तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैट में जो थिंकिंग एबिलिटी है, सोचने का जो तरीका है, कब क्या सोचना है नहीं सोचना, अभी तक तो काफी हद तक फॉर्मूला बेस्ड चल रहा था, अब मैं सोचवाना शुरू कर रहा हूँ, अब मैं लॉजिक लगवाना शुरू कर रहा हूँ ठीक। तो यहाँ से लॉजिक लगना हर क्वेश्चन में शुरू हो गया ठीक, और यहाँ से शुरू हो गया तो आगे वाले टॉपिक में भी मैं ऐसा ही कुछ करूंगा, कहीं और आगे बढ़ूंगा फिर कुछ और करूंगा, करूंगा ना भाई। तो लॉजिक तो मैं स्टार्ट करूंगा यहीं से ना ठीक। तो पहले वाले पोर्शन तुम लोग 5√2 क्यों बोल रहा है, मुझे ये बताओ क्या सोचे थे? बोलो सर, आर कम वर्ड निकाल दिया था सर। अच्छा ये वाला डिस्टेंस निकाल रहा था ये पूरा? यस सर। ये 5 है, ये 5 और ये भी 5 है, मतलब इधर वाला ये वाला तिरछा, ये वाला पोर्शन जो प्लेन में था, ये वाला एक ओसी वाला, ये 5 था और ये वाला पोर्शन ऊपर वाला 5 था, यहाँ वाला 5 था ठीक। तो सर ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो 5√2 होगा, ये सोच रहा था सर? यस सर। तो फिर क्यों भूला कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर काम करना है? क्या ये वायर पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, है ना? नहीं सर। नहीं ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये वाले वायर यही है, ये वाला जो पोर्शन, चलो इधर से घुमा लिया, तो ये रेड वाला लाइन है, यही तो ऊपर भी जा सकता है। अरे हाँ ना, बोलो। यस सर। यस सर। क्लियर? तो क्या ये वाला पोर्शन 5 ही होना चाहिए, बता? यस सर। यस सर। कंफर्म? कोई तकलीफ नहीं है? नो। बहुत। अब एक बात, यानी कि ये वाला पोर्शन सीधा सीधा होता 2k λ/5 ठीक, क्या ये वाला पोर्शन 3i² + 4j² / 5 यही होता क्या? बोलो। क्लियर है? क्लियर है सभी लोगों को या किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ सर, बी डाउनवर्ड में है ना? है कौन सर? जो बी है, बी डाउनवर्ड में है, मतलब सर तो माइनस जे कैप होना चाहिए था। नहीं है, वो वाई प्लेन में है। बी डाउनवर्ड कहने का मतलब, बस मुझे इतना बता, क्वेश्चन तेरा ठीक है ना, तो उतने उसके अनुसार से हम आंसर भी ठीक बोलते हैं। क्लियर? तुम्हारे बी डाउनवर्ड कहने का मतलब ये तुम्हारा अप्रोच है, तुम खुद बताओ। बोलो सर, नीचे मतलब दिखाई दे रहा है सर, डाउनवर्ड डायरेक्शन। किसने बनाया इतना नो बोल दिया? हाँ देखो, ये बनाना नहीं चाह रहे थे, सोच रहे थे तुम लोग अपने लॉजिक पर सोच लिया। अब बताओ तो खुशी, क्लियर हुआ बात? खुशी क्लियर हुआ बात? यस सर। कभी भी गायब हो? अरे भाई, जैसे ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, जैसे ये वाला पोर्शन ओसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वैसे ही इस डी पॉइंट के लिए इस वायर से ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, बताओ? होगा सर। देखो तो ये 5 है, तो ये 5 होगा कि नहीं होगा? यस सर। पहला ठीक। अच्छा, और क्या ये प्लेन, ये वाला ब्लू वाला प्लेन और ये ऊपर वाला रेड वाला प्लेन, क्या दोनों सेम है या नहीं है? सेम है सर। और वेक्टर की तरह अगर जो सोचे तो पैरेलली ट्रांसफॉर्म कराने पे कोई चेंज आएगा क्या? नो सर। तो तुमको बी नीचे कैसे दिख गया? यस सर। क्लियर हुआ बात? यस सर। क्लियर हुआ बात? ठीक। यस सर। ये बनाना मत, ठीक, ये अलग मैटर है कि तुमने जो बोला उसके अनुसार से मैंने तो फिगर सोच लिया ठीक, लेकिन तुमने जो तुम जो बोल रहे हो उसके अनुसार से फिगर तुम भी एनालाइज करोगे ना। मैंने क्या बोला, 12th का पेपर इमेजिनेशन बेस्ड,
और तुम्हारी इमेजिनेशन कितनी अच्छी है ये सब कुछ आप दिखाई देते हो। इसलिए जब मैं एप्लीकेशन पे आ रहा हूँ तो टाइम दे रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने, करो सॉल्व। हम भी तो देखेंगे तुमको तो, मतलब इतने दिन से सामने वाला आप पर दिमाग चलवा रहा है, काम करवा रहा है। तो जब अब तुमसे रिजल्ट की उम्मीद करने वाली बात है, रिजल्ट अब बनाना धीरे धीरे जब शुरू करेंगे तुम्हारा, ठीक कैसे कहाँ जाऊ, अप्रोच तो खुलना चाहिए ना। चलो नेक्स्ट, मैं एक क्वेश्चन और दे रहा, चेक करना। अगर जो मैं ये वाला पार्ट बताया था ना, ठीक, और ये पॉजिटिवली चार्ज, जल्दी जल्दी आंसर बता रहा, तो सब कोई को ये पूरा क्लियर है, हाँ या ना? जी सर। बोलो पक्का ना, पढ़ सकते आगे? तो ये वाला पोर्शन लेमडा और रेडियस, ये सेंटर है, ठीक। बता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो जीरो लिखते जाओ, लिखते जाओ, जल्दी 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 जल्दी, फिर से वापस आप करवा दिए हैं सर। अरे पता है मुझे तुलू पे भरोसा नहीं करना चाहता, लोग बहुत बड़ा क्या बोले हैं, छोड़ो। यस सर करवा दीजिए। कर्मकांडी तू लोग बहुत बड़ा है, इसमें तुम पर कोई भरोसा नहीं, ठीक। खुद पे भरोसा करते हैं और उसके अनुसार से चीजें बता। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर, टू के लैम्डा बाय आर, टू के लैम्डा बाय आर, पक्का ना? यस सर, टू के लैम्डा बाय आर। ध्यान रखिए नहीं तो फंस जाओगे, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, चेंज कर रहा हूँ, ठीक। धीरे धीरे बोल रहा, तू लोग को कोई भरोसा नहीं, और सही में भरोसा नहीं करना चाहिए। टू के लैम्डा बाय आर, क्लियर? नीचे की तरफ। अब एक बात बता जल्दी से, मान लीजिए ये वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था, और इतना दूर रखते, और ये पॉजिटिवली चार्ज था, जल्दी बताओ लैम्डा और आर, ये लैम्डा बाय आर, आई एक्सिस और जे एक्सिस में दोनों में, पक्का ना? यस सर। क्लियर है? ठीक यस सर। छोड़ना कुछ बात, ठीक, जैसे मैं तुम पर भरोसा नहीं करता ना, तू भी मुझ पर भरोसा मत कर, बस जितना बात बोल रहा हूँ वो प्रिपेयर्ड कर, बस और कुछ। अब सोचो ये पॉजिटिव था तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आता? इधर आता, ठीक, और इसका एक डायरेक्शन इस तरफ होता और एक डायरेक्शन इस तरफ नीचे की तरफ होता। अरे हाँ ना, कट रहा होगा, छोड़ना पहले बाद में देखेंगे, पहले इसे तो खत्म कर ले। तो ये वाला पोर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता, इधर वाला क्या होता याद करो तो, के लैम्डा बाय आर, और इधर वाला क्या था, के लैम्डा बाय आर। अरे हाँ ना, बोलो। यस सर। यस सर। जी सर। बहुत। अब एक बात बता, अब मैं फिर अब इस के लैंग्वेज को यूज कर, ठीक, इस वाले पोर्शन में पर्दा रख। सोचे मैं दे दूं ऐसा कुछ, क्लियर? ये एक सर्कुलर आर्क है। अब जो क्वेश्चन कराना चाह रहा वो, ये इसका सेंटर था, इधर ये वाला पोर्शन पूरा गया इन्फिनिटी तक, किधर गया इन्फिनिटी, क्लियर? समझ मारा? अब ये वाला पोर्शन पूरा वायर मैं पॉजिटिवली चार्ज बनाऊ और मे बी लैम्डा बनाऊ, ठीक, इतना तो पता चल ही रहा होगा जो करना चाहिए। हो बता, ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जल्दी जल्दी चेक करो क्या था,
नॉर्मल सी बात है, आसान है। क्या इस पॉइंट के ऊपर सेमी इनफाइनाइट वायर है? बता, मतलब सोचो ऐसा नहीं। सर रूट टू के लैम्डा बाय आर। हाँ रूट टू के लैम्डा बाय आर। चलो देख लेते हैं। और इस पॉइंट यहाँ से यहाँ तक समझ लीजिए इस टाइप का वायर है, और इसके इधर ये तीसरा वायर, क्लियर? तीन वायर हो गए। अब सोचो पहले वायर के कारण क्या चक्कर एलिमेंट यहाँ काटते, बिल्कुल इसलिए जानबूझ कर सिखाए हैं कि तुम लोग को डायरेक्शन और ये सब चीज लेने में दिक्कत हो, एक बार दिमाग फिट हो जाए चीजें कितना भी टफ कहे ना कर दे हम सब चीज के लिए तैयार हैं। ठीक, मान लो यार पोर्शन एलिमेंट यहाँ से काटेंगे तो इधर और इधर, यानी पहले वायर के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड आता इस तरफ के लैम्डा बाय आर और एक इधर आता के लैम्डा बाय आर। अरे हाँ ना बोलो भाई, सोच लो, क्लियर है? पहले वायर के कारण सोच लो, क्लियर है सभी को? पक्का ना? अब सोचो यहां से यहां तक दूसरा वायर है, कुछ इसी टाइप का फिगर है, तो चेक करो यहाँ पे अगर जो मैं एलिमेंट काटू यहाँ, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाता? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा किस तरफ जाता? इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर क्या होता है? याद करो अभी सिखाए, और क्या ऊपर जाता और ये वाला पोर्शन के लंबा है? हाँ ना बोलो भाई। यस सर। अब सोचो इसके चलते इस तीसरे वायर के चलते जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करता तो इधर जाता, इधर जाता तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर और एक इधर। तो चेक करो इधर एक कंपोनेंट हो गया कितना? के लैम्डा बाय आर, और इधर एक कंपोनेंट हो गया के लैम्डा बाय आर। अरे हाँ ना बोलो भाई, कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। पक्का ना? अब सोचो इधर क्या हो गया? टू के लैम्डा बाय आर, और इधर के लैम्डा बाय आर, ऊपर की तरफ आ गया के लैम्डा बाय आर। अब देखो इधर क्या था, इधर के लैम्डा बाय आर और के लैम्डा बाय आर, टू के लैम्डा बाय आर, और इधर आ गया के लैम्डा बाय आर, यानी इस तरफ आएगा के लैम्डा बाय आर, दोनों आपस में 90 डिग्री पर, यानी मैग्नीट्यूड टू के लैम्डा बाय आर, टू के लैम्डा बाय आर। अरे आया पकड़ में? हाँ यार। यस सर। यस सर। अच्छा अगर जो मैं इसी वायर में सेम क्वेश्चन ऐसा ही रहने दू, हे ये मैं माइनस लैम्डा कर दूं, प्लस लैम्डा कर दूं, और इधर वाले वायर का टू लैम्डा कर दूं, तो बता तो सेंटर पे फील्ड कितना होगा? थोड़ा जल्दी सोचना। थोड़ा जल्दी सोचे, बहुत धीरे धीरे काम कर रहे। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन कैसे बनाओगे? जल्दी सोचो। सर इसमें भी रूट टू के लैम्डा बाय आर। रूट टू के लैम्डा बाय आर कंफर्म? यस। मुझे नहीं पता, मैंने बस ऐसे ही भर दिया है। ठीक नो सर, मैं चेक भी करने जा रहा था। सर इस बार माइनस आई कैप में चले जाएगा। माइनस आई कैप में जा रहा है, चलो देखते हैं। ठीक है, और इससे जो क्वेश्चन करें खूब करें तब एप्लीकेशन क्लियर होगा, डायरेक्टली बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो पहला वाला वायर ये लैम्डा वाला, तो चेक करो ये तो अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव है और जहां पर निकालना है वहां वन से वन। ठीक, तो क्या ये वाला पोर्शन ओ पॉइंट को इस तरफ अट्रैक्ट करता? हाँ या ना बता, क्लियर है? यस सर। यस सर। तो इसका इधर का क्या होता? के लैम्डा वाला। ठीक, इसका इधर क्या हो जाता? के लैम्डा।
देखते आप सोचो, ये पॉजिटिव चार्ज है लैम्डा, जैसे ये वाला पार्ट है देखो, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा, इस पॉजिटिव के कारण। ठीक, तो इसका दो कंपोनेंट होता है, एक इधर और एक इधर, पूरा होता। और इधर वाला पोर्शन क्या होता, इधर होता के लैम्डा बाई आर। ठीक, और इधर होता के लैम्डा बाई आर। कोई दिक्कत है, बोलो। अच्छा, यहाँ चक्कर ये हो गया, पॉजिटिव है ये, मैंने पॉजिटिव बनाया। ठीक, तो इसके कारण क्या इधर रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता, रिपेल करता, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होता है। और यहाँ टू लैम्डा है, टू लैम्डा है, तो इसका इधर का कॉम्पोनेंट, एक कॉम्पोनेंट क्या होता है, के लैम्डा, लैम्डा नहीं टू लैम्डा, टू लैम्डा डिवाइडेड बाय, और इसका इधर होता है कितना, क्या बोल रहा था सुंदर, कुछ गड़बड़ नहीं है? यस सर। सुंदरम, यस सर, पकड़ में आ रहा बात आपको? यस सर, एक का साइन उल्टा कर दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये चीजें डिफाइन कीजिए क्लियर। क्या अब ये सोचो, ऊपर की तरफ कितना हो गया, 2 के लैम्डा बाय आर, 3 के, 4 के लैम्डा बाय आर, यानी ऊपर की तरफ आ गया मेरा 4 के लैम्डा बाय आर। अब सोचो इधर के लैम्डा बाय आर और के लैम्डा बाय आर बढ़ जाएगा, तो इधर आता, इधर आता तो कितना बच गया, सीधा सीधा 2 के लैम्डा बाय आर। ठीक, और क्या इस दोनों का रिजल्टेंट नहीं निकाल लोगे अब? हाँ ना, इसका पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेक करो, ये वाला पोर्शन सीधा 4 के लैम्डा बाई आर का होल स्क्वायर और प्लस 2 के लैम्डा बाई आर का होल स्क्वायर, होता नहीं होता, बोलो भाई। 2√5 जो आए वो आंसर जो आ जाए, उसके पीछे मैं नहीं जाना था। ठीक, लेकिन हाँ आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए हर क्वेश्चन के साथ, ये नहीं कि कुछ भी करते रहे, है ना सर। एक बात पूछे सर इसमें, बहुत मार खाएगा ये, तू लोग वेक्टर पूछ रहा है, सिखाए हैं, गलत बात है। ऊपर वाला आसान था इसलिए तुम लोग डायरेक्शन नहीं पूछा, बहुत गलत बात है। देखो पहला क्लास तुम लोग पूछ रहे, जिस दिन मैं मतलब जिस दिन मैंने ऑफिशियली फिर पूछ शुरू किया था, वो वाला क्लास पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड सोचो, पहले वाले वायर किधर था, इधर था, इधर था, ब्लैक वाले भी लिखा था, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में आया है, माइनस के लैम्डा बाई आर आई कैप, और ये प्लस के लैम्डा बाई आर जे कैप। उसके बाद इसका इधर चक्कर दूसरे वाले वायर था, तो ये गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो क्या लिखेगा, के लैम्डा बाई आर आई कैप, और ये गया पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, यानी के लैम्डा बाई आर जे कैप। अब सोचो ये पॉजिटिव चार्ज, इसके कारण ये रेड वाला लाइन है, तो लेफ्ट की तरफ गया है कितना, माइनस 2 के लैम्डा बाई आर आई कैप, सही है ना, और रेड वाला प्लस 2 के लैम्डा बाई आर जे कैप, आई वाले को आई के साथ जोड़ ले, तो आई आई की तो मर गया पहले। ठीक, और कुछ यानी सिर्फ ये बचा 2 के लैम्डा बाई आर आई क्या। ठीक, अब सोचो ये वाला पोर्शन के लैम्डा बाई आर के लैम्डा, अच्छा तो ये वाला पोर्शन मेरा हो गया 4 के लैम्डा बाई आर जे क्या, अरे हाँ ना, यस सर। ठीक, चाहिए था डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए क्या, ये जो भी आया है उसका यूनिट वेक्टर, तुमने बोला डायरेक्शन पूछा, तो जो भी आया है उसका यूनिट वेक्टर, अरे हाँ ना, यस सर, यस सर, क्लियर है।
अब सोचो तू पहला क्लास पूछा है कि नहीं पूछा है। यस सर। गलत बात है ये। ठीक, फिर इतना लेवल से क्वेश्चन कराने का क्या फायदा? तो फायदा है, बात तो वही हुआ ना, मतलब हम डायरेक्ट जो रिजल्टेड लिखे हैं उसी का यूनिट वेक्टर भी तो लिख सकते हैं। देखो जैसे अब तुम्हारे बात से तुमको अब ये लिख दिए तो तुमको ये बात पकड़ में आ जाए। ठीक, सर बतवा तो वही लिख रहे हैं जो यहाँ किए। ठीक, तो यहाँ किए वही किए हैं, क्लियर। लेकिन अगर जो मैं दो वेक्टर ऐसे ही मैग्नीट्यूड नहीं कहता निकालने, ठीक है, मैंने मैग्नीट्यूड कहा निकालने के लिए और कह देता डायरेक्शन निकालने के लिए, सिर्फ डायरेक्शन निकालने के लिए, तो आई कैप जे कैप के कैप में करो कि नहीं करो? हाँ या ना? क्लियर बोल तो रहा, तुम जो पूछोगे उसका उसके बाद उसमें मैं पूछने लग के जो कुछ छोड़ूंगा ही, जो पूछो तो सब निपट जाए, बस पूछ। क्लियर, कह सभी लोगों को क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। क्लियर ना? चलिए तो अब मैं थोड़ा आगे बढ़ू, चार जोड़ी ऐसा कर देता बताना। तो चलो ये पॉजिटिवली चार्ज, चलो पूरा पॉजिटिवली चार्ज देता। अब पॉजिटिव नेगेटिव दूंगा तो बना लोगे ना? हाँ या ना? यस सर। या सिर्फ कॉपी भरेगा? यस सर, बस अट्रैक्ट ही तो करवाना है। हम अट्रैक्ट रिपेल ये देख लेना, पॉजिटिव नेगेटिव या लैम्डा की वैल्यू बदल दूंगा, कर लोगे ना? है ना? यस सर। यस, फिर कॉपी भरने वाला काम है, फिर और एक्स्ट्रा लॉजिक में है ना, थोड़ा अच्छा काम करे। ये वाला भी एक क्वेश्चन कर ले, ये लैम्डा दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक दूसरा वायर है, ये भी लैम्डा दे रहा हूँ, और यहाँ से यहाँ तक तीसरा वायर है, ये भी लैम्डा दे रहा हूँ। बता तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा, थोड़ा जल्दी। जीरो सर। हाँ है? जीरो कैसे होगा? आगे नहीं? बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहे, सीधे बोल रहा हूँ, बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहे इन सभी चीजों के लिए। ठीक, मुझे आपका एक स्ट्रॉन्ग शिफ्ट चाहिए यार, 12th के पेपर में सिलेबस से। ठीक, चाहे वो मेडिकल का एग्जाम होता हो, इंजीनियरिंग का एग्जाम होता हो, मैं पहले बोल रहा प्लस टू हो जाएगा भाई। ठीक, उसका टेंशन मत पाल, क्लियर। बस जितना बोल रहा हूँ उतना करते जाए, जितना मैंने एप्लीकेशन दिया है या जितना मैंने ड्राइव किया है, मैंने बोला कि वो एप्लीकेशन वाला पार्ट एक जगह अलग से कर लेना। ठीक, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं है। ठीक, हाँ इस बार 30 नंबर का केस स्टडी डाल रहा है, अब केस स्टडी में कौन सा कहानी गढ़ेगा मैं नहीं जानता, बिल्कुल नया पैटर्न, बिल्कुल नया पैटर्न। ठीक, वो बिल्कुल वही होता है, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन जैसा जेई एडवांस में पूछता है, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन जैसा जेई एडवांस बस। ठीक, वो प्लस टू लेवल पर आएगा। ठीक, अब यही है कि लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा कम ही उड़ा जाके, अच्छा एडवांस में ज्यादा सोचवाएगा, इसमें थोड़ा कम सोचवाएगा, ये पक्का है। ठीक, प्रिपेयर्ड करें इसके लिए। देखो, मुझे नहीं पता इस वायर के कारण ये कंफर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता, ये क्या होता, हो सकता है जीरो हो जाए, ध्यान नहीं है मुझे, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है ये वाला पोर्शन के लंबा लगे, और खुद पे भी कॉन्फिडेंस रखो, जरूरी है कि हमेशा हम ही सही होंगे, आप भी सही हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस रखिए बस। ठीक, दूसरा वायर सेमी इनफाइनाइट, सॉरी सेमी सर्कुलर है, याद करो तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता, तो इधर आता टू के लंबा बनता। यस सर, रट के थोड़े बना रहे हैं हम क्वेश्चन के, हमको ध्यान है, पूछो दे दे रहे हैं, पूछो दे दे रहे हैं। ठीक, बस प्रिपरेशन रखिए अच्छी। अब मान लीजिए यहाँ का, तो इसके चलते ये तक पक्का है कि इधर आता, हाँ जीरो हो जाएगा, तो इसके कारण इधर होता के लैम्डा बाई आर और इधर होता के लैम्डा बाई आर। ठीक, तो सोचो इधर भी टू के लैम्डा बाई आर और टू के लैम्डा बाई आर, यानी इस वाले फिगर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो। हाँ या ना? यस सर। क्लियर, अब सोचिए
अगर जो मैं जादू सोचो थोड़ा तो बिल्कुल एप्लीकेशन कोई बट नहीं एक अगले क्लास में फिर हम लोग स्फीयर में चले जाएंगे ठीक है स्फीयर या शीट या लाइन चार्ज पर वाले पोर्शन में काम करना शुरू कर दिया लेकिन पहले लॉजिक तो क्लियर कर ले अपने मान लीजिए एक स्क्वायर याद रखना स्क्वायर ले रहा ठीक और मेरे हर क्वेश्चन को बताने का कोई मीनिंग होगा गड़बड़ तो एकदम ना करना ठीक अगर जो मैं इसके सेंटर पर लेमडा 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 और लेमडा बोलू ठीक बता सकते हो फील्ड क्या होगा जीरो सर जीरो जीरो कोई निकल रही इसको देख के फील आ रहा है जीरो कर लो हाँ ना यस सर बहुत बहुत बढ़िया तो ये वाला पोर्शन इलेक्ट्रिक के लिए ठीक अब थोड़ा 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 बुद्धि खंगाई ऐसा ऐसा अच्छा लेमडा में लेमडा टू लेमडा थ्री लेमडा ये सब भी दे देता तो कर लेता आया ना यस सर यस क्या उस टाइम पे भी जीरो होता यस सर नो सर उस टाइम पे जीरो कैसे हो जाएगा सर वैल्यू डिपेंडेंट सर अगर सारा सेम रहता तब हो जाएगा सारा सेम रहेगा तो ना सर जीरो होगा बिल्कुल बिल्कुल ये सब बात पकड़ में आ रहा है ना यस सर बात अब थोड़ा बुद्धि लगा ऐसे कम है लेकिन चाह रहा है कि मास्टर सिखा दे आ जाए अच्छा बात थोड़ा दूर बहुत छोटा हो जाता है फिगर बनाने में अच्छा नहीं लगता ये पी पॉइंट ठीक यहां से यहां तक का आर ये भी आर ठीक है तो एक बात तो समझ में आ गया कि ये वाला जो और ये कितना दूर देखेंगे तो इसी टाइप का स्क्वायर है हाँ यस यस बता तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सोच के बताना ये सेमी इनफाइनाइट वायर है ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर है P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है थोड़ा सोचो जल्दी अब कोई भरोसा नहीं है मैं कभी कभी कुछ कुछ पढ़ा देता हूँ ठीक पर जब दिमाग चलता है कि नहीं ये सिखा देना चाहिए हो सकता है मेरा पिछला वीडियो देखेगा या कुछ देखेगा हो सकता है इससे वो क्वेश्चन दिए हैं नहीं दिए हैं कराए हैं कोई भरोसा नहीं है मेरा करा भी सकते नहीं भी करा ठीक किसी क्लास में मूड कर गया तो करा देंगे नहीं मूड करना करा ठीक वही डिराइवेशन कराए एक दो जो क्वेश्चन कराए वो खुद रहा ठीक ये एप्लीकेशन है जो हमें आना चाहिए लिखे इसे जल्दी जल्दी बनाए बनेगा सर के लैम्डा बाय आर रूट टू प्लस वन बाय टू पहले वाले वायर के कारण थीटा वन और थीटा टू बताएं थीटा वन 90 और थीटा टू 45 पकड़ में आ रहा ना सभी लोग को हाँ या ना सोचो
मैंने जान करके ठीक है यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बदला बस अब समझ रहे कि मुझको स्क्वायर पे फिगर देने का क्या रीजन ठीक क्या अगर जो मैं ये वायर लेता तो चेक करो तो यहाँ और यहाँ तो ये एंगल 45 और ये वाला एंगल 45 ठीक तो वैसे ही इस वाले वायर के लिए पहले वाले वायर के लिए और जो मैं यूज करूंगा ठीक तो चेक कर ये बात तो कंफर्म है कि इस तरफ आएगा ये बात कंफर्म तो इसका एक EX1 ऐसा समझ लो इस डायरेक्शन में आएगा और EX2 इस डायरेक्शन में सॉरी EY1 इस डायरेक्शन में हाँ ना बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या नहीं ना अच्छा अब सोचो जो बताए चीजें धीरे धीरे बढ़ाऊंगा लेवल अभी तो ये इसका बचकाना वाला लेवल है एक हाँ मेरे कहने का मतलब कभी ये वाला क्वेश्चन करा सकता हूँ लेकर तो जैसे मान लो मैं अभी एप्लीकेशन सिखाना शुरू कर दिया लाइन चार्ज में ऐसे ठीक हो सकता है वॉल्यूम चार्ज में हम क्वेश्चन कम कर दें हम पर डिपेंड है वो हम समझे ठीक ये सिखा लिए तो वहां करा दें वो तो सिखा ही लिए तो अब अगर जो कहीं क्वेश्चन दिखेगा ठीक तो क्या कहते हैं उसको चेंज कैसे कराना है मतलब लॉजिक मैंने सिखा दिया यहाँ क्लियर अब वहां किसी को क्वेश्चन दिखे धर से बनाओ यार ठीक फॉर्मूले तो यूज करना है जैसा बोलेगा वैसा करते रहेंगे क्लियर ना मतलब हड़बड़ाना नहीं है अब सोचो एक बात कंफर्म है फॉर वायर वन ऐसे सोचो फॉर वायर वन थीटा वन 90 डिग्री एंड थीटा टू 45 डिग्री है क्या हाँ ना बोलो बोलो भाई yes, ना तो सोचे इस वाले पोर्शन में अगर जो EX की वैल्यू निकालते वन तो क्या बताए याद करो K lambda by R और मैंने बताया था साइन 90 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री यही ना होता सोच लो बोलो yes. क्लियर तो सोचो ये वाला पोर्शन क्या होता के लैम्डा बाई आर वन वन डिवाइडेड बाई अब क्या होगा आगे हमें नहीं पता आगे क्या होगा हमें नहीं पता लेकिन ये लॉजिक पता होना चाहिए ठीक अब सोचो अगर जो हम लोग ई वाई वन निकालते तो क्या सिखाए थे के लैम्डा बाई आर और इस वाले पोर्शन में कॉस थीटा टू पहले आता है और थीटा वन बाद में आता है तो कॉस थीटा टू cos थीटा टू माइनस नहीं नीचे की तरफ जा रहा नीचे की तरफ जा रहा तो इसमें cos थीटा वन पहले आएगा छोड़ना क्या डायरेक्शन है तरीके जो आदत बनाया वही उसका कोई फर्क नहीं पड़ता जो आदत बनाया वही cos थीटा टू 45 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री यानी ये जीरो हो जाता ये k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर और ये वाला पोर्शन 1/√2 अलग से रहने होता नहीं होता बोलो yes, बोलो भाई अब अगर जो हम दूसरे वाले वायर के लिए चलते सोचते हैं तो तय है इस वाले पोर्शन में इधर वाला पार्ट ज्यादा है सर कम है इधर वाला पार्ट ज्यादा है तो ज्यादा है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तय है इस तरफ ठीक अब इसके चलते इधर एक आता EX2 और इधर आता एक EY2 ठीक अब सर हमें उससे नहीं लेना आवाज आ रहा यस सर यस सर फॉर वायर टू सर दूसरे वाले को एक बार रिपीट कीजिए ना सर कौन सा सेकंड वायर के लिए सर अच्छा कुछ बात था जो स्किप हो गई यस सर स्किप हो गया डिस्कनेक्ट अचानक सर हाँ कोई जैसे ये वाला वायर अब मैंने पॉइंट यहाँ बनाया ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसके ऊपर ज्यादा वायर है ना देखो तो
इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड कौन ज्यादा वाला वायर देगा या छोटा वाला वायर देगा? ज्यादा वाला, ज्यादा वाला, बड़ा वाला, ज्यादा वाला, ज्यादा वाला, समझ में आया ना? तो ज्यादा वाला, इस कारण से इधर का एलिमेंट लिया और इधर सोच लिया, समझ में आया? बोलो अविराज। यस सर। ठीक, तो वैसे ही सोचो, जब इधर वाला पोर्शन में इधर कम वायर होगा और ये इंफिनिटी तक जा रहा था, इधर वाला वायर ज्यादा ना होगा, है ना? यस सर, इसलिए उधर जाएगा रेड। बिल्कुल ठीक। अब एक सेकंड, एक हाँ देखिए, तो अब उसी के लिहाज से सोचो, ये मैं मिटा रहा है और इस बार क्या करते हैं हम लोग इस वाले पोर्शन में थीटा वन देखते हैं। तो थीटा वन कितना हो गया? थीटा वन इसमें हो गया 45 डिग्री और थीटा टू कितना हो गया? थीटा टू हो गया 90 डिग्री। क्लियर? तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी ईएक्स टू का अगर जो मैग्नीट्यूड निकालते तो वही होता, दैट इज k lambda डिवाइडेड बाय r sin 90 डिग्री। पूछो लगना, तो 1+1 डिवाइड बाय रूट 2 ये होता नहीं होता? बोलो। यस सर। यस। अभी मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन बाद में, सब कुछ ये सब कर लेने के बाद। ठीक, गलत बने मतलब गलत भी करने का चांसेस छोड़ दो। ठीक, हर वो ऑप्शन वेरीफाई करके चलो, क्योंकि पहले बोल दे रहा हूँ 12th का पेपर लेवल ऑफ थिंकिंग पर है, आप कितना सोच सकते हैं। हे, सामने वाला आपसे कितना सोचवा सकता है? मैं नहीं कह सकता, ये बिल्कुल नहीं कह सकता, ये जिम्मेवारी आपकी। हे, अब सोचो EY2 क्या होता, चेक करो EY2 क्या, फिर तो वही आता मैग्नीट्यूड के तौर पे, क्या k lambda by r और root 2 होता या नहीं होता? बोलो बोलो। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, डायरेक्शन दिया मैग्नीट्यूड, हाँ ना बालवीर? कॉस लगेंगे सर, माइनस आ जाएगा सर। मैग्नीट्यूड माइनस क्यों सोच रहा है? प्रियां क्या मैग्नीट्यूड सही लिखे हैं? यस सर। पक्का? अरे मैग्नीट्यूड बोल रहे भाई, मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। बोलो। यस। अरे है ना, क्लियर ना? अरे जब डायरेक्शन लिखना होगा लिखना देंगे, इसीलिए तो यहाँ पे हम छुड़वाए यहाँ पे। अरे छोड़ो थीटा टू थीटा वन, छोड़ो सब थीटा टू थीटा वन छोड़ो, इसीलिए ना बोले। क्लियर? कि हमको जब भी काम करना है मैग्नीट्यूड में करना है, बाद में देखेंगे। अब जितना मैग्नीट्यूड EY1 था नीचे की तरफ, उतना ही मैग्नीट्यूड इसका ऊपर की तरफ, हाँ या ना? वन बाय रूट। हाँ ठीक ठीक, वो तो सही है सर, वन बाय रूट। ठीक है ठीक है, हम भी इंसान है, नहीं ध्यान दिए। ठीक, लेकिन अब फिगर कैंसिल होके जीरो हो जाएगा ना? हाँ, y एक्सिस वाला जीरो हो गया, x एक्सिस भी जीरो हो जाएगा सर। x एक्सिस वाला चेक करो, इधर और इधर बराबर। इस वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की है, क्या जीरो होना चाहिए? हाँ या yes, ना? यस सर। यस सर। आई बात है, लेकिन ऐसे देख के क्या लगता था जीरो होगा क्या? ऐसे देखकर नहीं सर, ऐसे फिगर देख के जीरो हो लग रहा था क्या? नहीं। हे, तो चीजों को इक्वेट करने हम लोग को आना चाहिए। हे, फिगर कैसे प्रेडिक्ट करें? चलिए फॉर एग्जांपल थोड़ा सा और आगे बढ़े सर। हाँ सर, एंगल थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए ना। फिर कह रहे हैं ये वायर है ऐसे है, इस पॉइंट से देखना था, इधर देखेंगे।
थीटा वन किधर देखेंगे, थीटा, ये बताया है ना, बोलो। यस सर। अब तो इसमें तुम कैसे खड़ी रहती थी, तुम्हारा सर ऊपर रहता था और पैर नीचे रहता था, बोलो भाई। यस ठीक। अब सोचो ये वाला वायर और तुम यहाँ खड़ी हो, तो अभी भी तुम्हारा सर ऊपर और पैर नीचे है, हाँ या ना? तो थीटा वन की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ गया 90 डिग्री, थीटा टू की वैल्यू 45 डिग्री पर आया, आया नहीं आया, बोलो। आया। अब देख एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है? हाँ, ये सोचोगे ना कि 11th वाला पोर्शन छोड़ के हम 12th पढ़ ले, ठीक है? तो फिर बोर्डे भर पढ़ोगे, उसके आगे तो एक बोर्डो भर क्या रटिए तुम कर सकता हो, उसके आगे तो ना अभी आया ना ऑब्जर्वर, किसी को कोई कंफ्यूजन आया, आया ना? अभी और देंगे, अभी और आए, आना है कंफ्यूजन, क्योंकि ये वाला पोर्शन अभी एंड नहीं हुआ है, बहुत कुछ सिखाना है। इसी में था और था सर। एक मिनट रुक जा, अब ये वाला पोर्शन ऐसे, ये वाला पी पॉइंट ऐसे, ठीक है? पी पॉइंट ऐसे, यहाँ पर खड़ा कैसे रहोगे, ऐसे रहोगे, ठीक? तो सोचो तुम्हारे सर की तरफ वाला एंगल थीटा वन और तुम्हारे पैर की तरफ वाला एंगल थीटा टू, होगा क्या? अरे हाँ ना, बोलो। यस सर। क्लियर? अब तू बोलेगा सर हम ऐसे काहे ना खड़ा हुए, ये ना बोल सकता है, बोलो। यस सर। यस सर। इसके अलावा तो कोई हिम्मत नहीं बोलने का, ठीक? अच्छा, क्या आप रोटेशन करते हो तो क्लॉकवाइज रोटेशन चाहोगे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन? एंटी क्लॉक। पॉजिटिव थीटा देता है ना सर, थीटा पॉजिटिव क्लॉक। तो तुम ऐसे जब खड़ा था तो ऐसे घूमेगा कि ऐसे घूमेगा, बोलो? ऐसे वैसे घूमेंगे सर, फर्स्ट फर्स्ट। यस सर। यस सर। क्लियर? समझ में आया? यस सर। कोई तकलीफ नहीं सर। नो सर। यार पीछे मार सर, एप्लीकेशन में तो मर गया, जिंदा है सब कोई? यस सर। यस। पक्का ना? एक दो का आवाज आ रहा है यार, मजा नहीं आ रहा, फिर मैं लेवल। यस सर, अभी तक तो है। बोलो जी। यस सर। देख ही नहीं पाएंगे सर। बच्चा क्या बोला, उल्टा रह जाएगा रे? नहीं देख पाएगा बोल रहा है। एक मिनट रुको, क्या बोला? घूमेंगे तो सर हम वॉल को ही स्पीकर सब पे ऑफ करो, फिर किसका आवाज आना चाहिए? हाँ बोलो सर। पीछे माए भी अगर घूमेंगे तो सर हम देख नहीं पाएंगे सर उस लाइन को। पीछे माए घूमेंगे मतलब? आपने बोला ना फर्स्ट और सेकंड, और सेकंड अगर तरीके से भी जाते हैं तो सर हम तो पीछे रह जाते हैं ना, हम तो देख कहाँ पाते हैं वो ऑब्जर्व, मतलब उसको लाइन को, बेस लाइन को। लाइन नहीं देखना, पॉइंट देखना। हाँ वही तो बात तो सही है सर। हम ऐसे खड़े, ये और ये, अब मान लो यहाँ से हमको ऐसे देखना है, यहाँ से तो ये वाला पॉइंट इधर होगा, ये वाला पॉइंट इधर होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो? और बीच में पूरा वायर होगा, बताओ? हाँ क्लियर है, यही तो करना है। और ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा आंख से, क्लियर है? यस सर। अभी भी कोई कंफ्यूजन है? नो सर। अब ये मत बोल देना कि सर हम कैसे लेट गया और पीछे नीचे से वायर जा रहा था, ये गलत बात कर रहा, समझ में ना? ऊपर वायर की तरफ देखे, ठीक? समझ में आया बात? क्लियर है पालवी? यस सर। सर एक और क्वेश्चन था सर। तू बोले सर, अगर हम इसको तोड़ दें, ये जो आपने क्वेश्चन दिया इसको हम तोड़ दें, तोड़ दे मतलब कहने का, मतलब जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड रीजन में, मतलब सर स्क्वायर जीरो कर दे और ऊपर नीचे का जीरो हो जाएगा,
स्क्वायर कर दे आप। हाँ। तो सर ऊपर नीचे तो कट जाएगा वो तो है सर, लेकिन स्क्वायर पे हमने अगर एक पॉइंट पे पढ़ा था कॉर्नर पॉइंट पे फोर्स ये होता है ना F इक्वल टू गलत हो गया मामला, पॉइंट चार्ज और वेरिएबल चार्ज में डिफरेंस है। आप पॉइंट चार्ज बनाओगे तब वेरिएबल चार्ज को डिफाइन करोगे, हाँ या ना? यस सर। ध्यान रखो इस बात का, क्वेश्चन अच्छा है लेकिन ध्यान रखो इस बात का, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ध्यान रखो। चलो इसके बाद क्या दूं? हाँ एक क्वेश्चन और करते। मान लो ये वायर और ये वायर, बस परेशान करने के लिए पूछ रहा तुम लोग का आईक्यू चलता ही नहीं चलता। ये पॉजिटिवली वायर है, ये भी मैं लैम्डा दूं और ये भी पॉजिटिवली वायर है, ये भी लैम्डा, ये दोनों में 90 डिग्री दूं, तो दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री क्लियर, और यहां से आर डिस्टेंस, अब सोचो यहां से आर डिस्टेंस है, बता तो फील्ड क्या हो, आर डिस्टेंस पर फील्ड क्या, जल्दी बताना। सोचो जल्दी, तो ये कहा क्या क्या दिया सर, सब पॉजिटिव है सर। हाँ सारा पॉजिटिव है, नेगेटिव का वो एक क्वेश्चन से करना सब कुछ सीख लेगा। और वो क्या लिखे हैं सर आर के बगल में? 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री मतलब इस दोनों वायर के बीच का जो एंगल है। फिर से बोल दीजिए सर, ब्लड आ रहा है। अच्छा एक मीनिंग ये क्लियर है अब? हाँ सर ठीक है सर। ऐसा कुछ हो तो बता दो। ठीक, वो होता है क्योंकि मोबाइल या जो कैमरा होता है या किसी का भी वो रीफोकस हो जाता है, रीफोकस्ड ये ऑप्टिक्स का एक काम है कोई भी जो, और जो कंटिन्यू जैसे हम तुमको गौर से देखने लगे तो गौर से देखने लगे एकदम बिना पलक झपका है ये। ठीक, तो बगल की चीज ब्लर होता है सर, ब्लर होने लगता है। ये कंटिन्यूअस ना देख रहा है हमको ये इस बोर्ड को, क्लियर, तो ब्लर हो गया बट जस्ट लाइक वही है सब कुछ। अब इस वाले पोर्शन में एक बात बता, मैंने ये बोला कि दो वायर लिया, इस दोनों के बीच का एंगल हम लोग 90 डिग्री लिया, ये वाला एंगल 90 डिग्री लिया, और ये वाला पोर्शन आर, ये वाला पोर्शन किस जगह से आर डिस्टेंस है, बता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इनफाइनाइट वायर है इस चीज का ध्यान रखना, इनफाइनाइट वायर है इस चीज का ध्यान रखना। ठीक, सेमी इनफाइनाइट नहीं है, बस सेमी इनफाइनाइट का लॉजिक सिखा दिए, बोलो। देखते हैं कितना दिमाग चलता है। सर ex k lambda by r root 2 plus 1 देखते अब वेरीफाई। ठीक, और इन सभी चीजों में गलत नहीं गड़बड़ नहीं, वेरीफाई करना ये ठीक बीचों बीच है तो 45 डिग्री हो गए करेगा, तो इससे परपेंडिकुलर ये r है, ये r sin 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा बताओ? Perpendicular. Yes, sir. तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। अब मान लो ये पहला वायर और ये दूसरा वायर, ये दूसरा ठीक, इनफाइनाइट वायर है तो इनफाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताया? 2k लैम्डा बाय। ठीक, तो ये वायर है तो इसके कारण इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जिसको हम बोलेंगे सीधा सीधा 2k लैम्डा बाय r, r कितना होगा सर? इनफाइनाइट वायर था। हाँ, इनफाइनाइट वायर रहेगा, बोलते रहे
है, तो हम पहले ही बोल रखे कि इनफाइनाइट वायर। एक काम करते हैं ना, बाद में लिखते, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिख देते हैं, जो ऊपर से कट जाएगा, ये वाला पोर्शन ई बना दे। वैसे ही इसके चलते क्या होता, ई होता दूसरे वाले वायर। तो दोनों के बीच का एंगल चेक करो कि कन्फर्म है, ये वाला पोर्शन 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, तो इस दोनों का रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच ऊपर चला जाता और ये डेटा होता रूट टू ई। हाँ या ना बताओ, कोई दिक्कत है? बोलो सभी लोग, अनी क्या क्लियर है? यस सर, टू के लैम्डा बाय आर होगा सर। जो आए वो तो अब कैलकुलेशन का पार्ट हो गया ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या था, चेक करो, ये होता 2k lambda डिवाइड बाई r sin 45 डिग्री, यही है। अब ये 1 बाई रूट टू, ये वाला पोर्शन 1 बाई, तो ये ऊपर जाए ऐसे भी रख सकता है, नहीं तो सीधा सीधा ये वाला पोर्शन e net की वैल्यू, e net की वैल्यू कितना हो गया रूट टू, तो ये डेटा होगा 2k lambda रूट टू डिवाइड बाई आर डिवाइडेड बाई रूट टू, ये रूट टू ऊपर चला जाएगा, दैट इज 4k lambda वैल्यू आएगा। बोलो रूट टू काट दिया रे, क्लियर है? क्योंकि तुम लोग की तरह से सॉल्यूशन आ रहा था सर 2k lambda बाई आर होगा। सर एक बार फिर से बता दीजिए ना सर, नहीं हुआ क्लियर। पहले तो इनफाइनाइट वायर, तो इनफाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, पी पॉइंट पे कैसा होता, 2k lambda बाई आर, इसमें कोई दिक्कत है इनफाइनाइट वायर? नो सर। पक्का? आंसर तो ये इनफाइनाइट वायर है, और अब जो क्वेश्चन बोला है उसमें पी पॉइंट यहाँ देने के बजाय यहाँ दे दिया है आर, और ई एंगल दे दिया है 45 डिग्री। तो बता इस पर परपेंडिकुलर कितना होगा, ये अगर जो आर है तो ये आर कॉस 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? बोलो। यस सर। ये वाला लाइन, ठीक, तो ठीक है, वो देने के बजाय ये वाला एंगल दे दिया 45, ये वाला पोर्शन हो जाएगा आर साइन 45 डिग्री, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो हम लोग जो ये लिखते थे 2k lambda by r, तो ये r क्या था, वायर पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। हाँ या ना? बोलो। यस सर। ठीक, तो इस वाले वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, r sin 45 डिग्री। बोलो ये क्या, पहले ये बात क्लियर हुआ? पक्का? यस सर। ठीक, अब सोचो ये r sin 45 डिग्री, अब सोचो तो ये इनफाइनाइट वायर है, तो स्टैंडर्ड फार्मूला तो वह होता 2k lambda by r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आता 2k lambda by r, और r परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए r sin। अब ये डेटा है, ऐसा कर लेंगे, क्या इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे? अच्छा एक सेक्शन मुझे अगले क्लास के लिए एक क्वेश्चन दे दे रहा, फिर मैं भूल जाऊंगा, इसलिए इसे बना के रखना और बोल देना कि सर ये वाला क्वेश्चन दिए थे, क्लियर, ये, और इसे कर दो प्लस लेमडा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, और ये वाला पोर्शन कर दो माइनस लेमडा, ठीक, और बिल्कुल वही पी पॉइंट और आर डिस्टेंस, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे इस बार? है ना? यस सर। क्या कह रहे हो? सेम ही तो होगा सर, वो देख लेगा डायरेक्शन बदलेगा, डायरेक्शन केवल चेंज होगा लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम। और बोल देना कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का दो वेरिएबल करके इनफाइनाइट शीट और वायर के चलते, ठीक, हो सकता है अगले क्लास आए, ठीक है, तो अगले क्लास में हम कुछ और शुरू कर ले, ठीक है, लेकिन इस वाले पोर्शन में दो क्वेश्चन मिनिमम बेसिक लॉजिक चाहिए, क्लियर, देख लेंगे, यहाँ तक क्लियर है बात? हाँ ना? यस सर। चलिए नेक्स्ट अगले क्लास लिख लो जल्दी, हो जाए बता देना। नेक्स्ट क्लास कितने, 15 से किया, 9:30 से 9:30 से आना।